हाँ बोलिए, हम भी झारखंड से बोल रहे हैं सर। हम कहाँ से बोल रहे हैं? गिरिडीह जिला के बगल, देवघर का बगल। आप ही का स्पाइन में दिक्कत है क्या? हाँ। कितने दिन में रिकवरी आ रहा है? हमको टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 10.5 साल 11 साल बिल्कुल कुछ नहीं किए हैं। अभी तक मतलब कुछ कुछ ना हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं किए। तो उसके बाद क्लिपर बनाए, 6 महीने से क्लिपर हाँ, से चल रहे हैं, और आप मेहनत चालू किए हैं 12 साल के बाद। सिर्फ क्यों? जैसे पहले मालूम नहीं था ये सब का बारे में, और मोबाइल वोबाइल हाथ में नहीं था उस टाइम। जैसे हम 2012 में गिर गए थे, 2012 में गिरे थे, तो मतलब फिर हम अपने गरीबी है तो मोबाइल कौन देगा, कौन दिखाएगा, और एक्सरसाइज सब का बारे में नहीं मालूम था। जो जी जी सर जी, ये बीमारी एक्सरसाइज से ठीक होता है, तो ये हमको नहीं पता था एक्सरसाइज से ठीक होता है। जी सर, जैसे बोल रहा है यहाँ ये को गिर गया तो वो भी नहीं ठीक हुआ, आप भी नहीं ठीक होइएगा, आप आई जिंदगी इसी तरह पास करना है। तो बोले जिंदगी इसी तरह पास करना है, तो एक तरफ जी सो के इसी तरह बोल दिया। और डॉक्टर जैसे बोला था भैलोर में, वैसे हम बोला जी चार आपका बेड शोर हो गया है, तो 4 तकिया पर सो के रहिएगा, इस तरह बेड शोर नहीं होगा आपको। तो जी पंखा बंद कर, उसी तरह हम सो गए, और ये सब जो पहले मालूम नहीं था, जो एक्सरसाइज से ये बीमारी दूर होता है। ये बीमारी बहुत बड़ा बीमारी है, लेकिन छोटे बीमारी दूर हो जाता है एक्सरसाइज से, लेकिन मालूम नहीं था हमको। और जब मालूम हुआ तब तब थोड़ा थोड़ा अभी उठना बैठना कर पा रहे हैं, और अब सियासी कर रहे हैं, कैथेटर जी खोल दिए हैं। सर, तो आपको 12 साल में पता नहीं था कि एक्सरसाइज से ही भूलेंगे हम? नहीं, बिल्कुल पता नहीं था। 2012 में गिरे थे, उस टाइम हर 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 भाई का हर 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 घर में मोबाइल नहीं था उस टाइम। जी सर, नहीं था। हाँ उस टाइम बहुत पैसा कटता था, 2.5 रुपये कॉल कटता था, 1 सेकंड बात कर 1 मिनट बात करता था, 2.5 रुपया कटता था। रिलायंस तो चलता था, अभी एयरटेल कितने दिन में अभी अभी अब खड़ा हो जाता है अपने से? जी था। अपने नहीं खड़ा हो पाते हैं, उसका क्लिपर बनाए हैं, जी क्लिपर पहन के। और 6 महीना, 6 महीना से आपने एक्सरसाइज चालू किया है ना? हाँ। पहले ना करते थे ना एक्सरसाइज? क्या? हाँ एक्सरसाइज इसके बारे में तो मतलब जो 12 साल मुसीबत काट चुके हैं ना, इसके बारे में हमको पूरे कुल टोटल जानकारी आ गया, कैसे क्या करना है, कैसे क्या है। जैसे क्या होता है, किसी को खोने से मिल जाता है, और कोई कोई बिना खोने से पा लेता है, ये बात है। जी तो हम सोचे देखिए 12 साल जब हम मुसीबत काट चुके हैं, 11.5 साल, तो क्यों ने हम वीडियो अपलोड करें, ताकि जो भी भाई हिम्मत हौसला छोड़ दिया तो फिर से मेरा वीडियो देख के फिर से मेहनत करेगा, फिर ठीक होगा। तो जी सर, हम फिर वीडियो बनाने की कोशिश किए, बनाए तो एक चैनल मेरा, आप उससे पैसा मिलता तो मतलब वो चैनल वो अपने नाम ले लिया पूरा, आराम से जी गाली गलौज कर दिया। सर, हमारा ये 6 महीना हो गया जी भैया, तो फिर हम नया 6 महीना खोले। हमारा जो है ना, 6 महीना हो गया अपने से भी खड़ा हो जाते हैं। शुरू में जब बोला हम डॉक्टर यहाँ गए, जब मेरा मतलब इंजरी मेरा पूरा हुआ है, ऑपरेशन वगैरह हो गया, तो बोला डॉक्टर ने कि आपका एक्सरसाइज इससे ही बोलेगा बोलिएगा। तो रांची में दिखाए थे, रांची से इलाज चल रहा था, तो घर आए, जब हम हॉस्पिटल से घर आए तभी से हम एक्सरसाइज चालू कर दिए। नहीं तो बहुत जल्दी इसमें एक्सरसाइज जो कर रहा है ना, उसका तुरंत रिजल्ट मिल जा रहा है, जो नहीं समझ पा रहा ना वही फंस जा रहा है। दिक्कत है भैया कि पेट सोवरा हो गया भैया, इसी कारण से भी एक्सरसाइज बंद है। पीछे में दो बड़का बड़ा बड़ा मतलब पेट सो हो गया, इसी कारण से भी एक्सरसाइज बंद है मेरा, नहीं हो पा रहा है। बेड शोर का हम ना बिल्कुल फुल टोटल आपको फोटो भेज देंगे व्हाट्सएप में, आप बेड शोर का मोहल्ला मंगा लीजिएगा, और दवा भी मंगा लीजिएगा। ज्यादा गड्ढा हो गया, जी हाँ, ज्यादा गड्ढा हो गया, बहुत बड़ा बड़ा घाव हो गया भैया। सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में आपका बिल्कुल सारा कुछ मिल जाएगा। जी, सरकारी अस्पताल तो है बगले में है भैया। हाँ तो दवा भी खाने के लिए मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा, खाली मोहल्लम नहीं मिलेगा, मोहल्लम आपको अलग से लेना होगा।
जी मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है, और व्हाट्सएप बना लीजिएगा। बहुत ऐसा ऐसा फ्रेंड है जो कि बात करते हैं, ठीक, हाल चाल पूछते हैं। आप मेरा नंबर ऐड कर लीजिए, मेहताब अंसारी लिखिए, गिरिडीह जिला से हम हैं। गिरिडीह से है ना? हाँ, गिरिडीह जिला से आप ऐड कर लीजिए मेहताब अंसारी। जी कर आप भी कुछ प्रॉब्लम होगा फोन कीजिएगा, हम बात करेंगे, क्योंकि अपने जिले से हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। हम भी गरीबी है भैया, उतना अमीर नहीं है। देवघर ज्यादा दूर नहीं है कि 70-80 किलोमीटर है मेरा घर से। जी जी हाँ, ज्यादा दूर नहीं है। आपको लेटरिन पेशाब का पता चलता है भैया? हाँ, जब हम केसीएसी कर रहे हैं और लेटरिंग जब आता है ना, तो पूरा शरीर मूवमेंट करने लगता है, पसीना छूटने लगता है, जकड़न आ जाता है, तो पता चल जाता है मेरे को तो पेशाब में क्या पता चलता है? पेशाब। हाँ, पीएससीएसी कर रहे हैं पेशाब, 3-4 घंटा 5 घंटा में एक बार पैप घुसा के निकाल लेते हैं पेशाब को। पाइप लगा लगा क्या आपका? नहीं, पाइप नहीं लगाए, सी एस सी करते हैं। जब पेशाब मेरा झोला भर जाता है तो पेशाब हम निकाल लेते हैं पाइप द्वारा से, और नहीं निकालते हैं फिर प्रेशर से भी हो जाता है। जी जी मेरा भी यही स्थिति है, प्रेशर बना लेते हैं अपना, ताकत लगता है, हो जाता है। हाँ, थोड़ा जब प्रेशर नहीं बनेगा, थोड़ा सा खुजला दीजिएगा ऊपर का हिस्सा, जी थोड़ा हाथ का फिंगर से खुजला दीजिएगा तो अपने आप निकल जाएगा। तो उसी तरह जब कभी नहीं निकलता है तब हम पाइप से निकालना पड़ता है, नहीं तो वही तरह खुजला के हम निकाल लेते हैं प्रेशर। हम भी तो भैया मतलब पहले पहले नहीं जानते थे, तो इधर उधर बहुत किए, जड़ी बूटी करवाए, तो इसकी इसी कारण से मेरा पाइप जो है 2 महीना पाइप लगल रहा, 2 महीना से पाइप मेरा खुल गया, जड़ी जड़ी खाए, 2 महीना जड़ी खाए, हाँ, उसके बाद मेरा पाइप खुल गया। जरी जरी काम किया? हाँ, जरी काम किया। ठीक है, तो बोल रहे हैं जब आप पेशाब आएगा ना तो पूरा फुल ताकत लगाइएगा तो पेशाब रुक जाएगा, हल्का हल्का ताकत लगाना है उस टाइम। जी 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 हाँ, कहीं फुल ताकत लगाते होंगे तो रुक जाता होगा पेशाब, रुकता है ना? हाँ, रुक जाता है। हाँ, तो हल्का ताकत लगाना है, और इधर पेशाबे तरफ माइंड में रखिएगा, दिमाग में जो पेशाबे तरफ हम सिर्फ ताकत लगा रहे हैं पेशाब निकालने के लिए, जी तो उसी तरह हो जाएगा, वो बेहतर है, वो अच्छा आप काम कर रहे हैं जो नॉर्मल कर रहे हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी बार को अब आप जो बनाया क्लिपर, हाँ, उसके आप अपने बोलते हैं अभी चलते हैं? हाँ, चलते हैं रेलिंग में चलते हैं, कभी कभी वॉकर से भी चलते हैं। जी हाँ, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आप दो आपने भेज दीजिएगा थोड़ा वही 150 के बारे में। हाँ, और आपका कौन सा लेवल है? लेवल पर बुला गए, लेवल कौन सा लेवल है मेरा? कमर का ऊपर है ना? हाँ, कमर का नहीं, कमरे के पीछे पीछे सर। हाँ, वही तो, चार क्रीपर लगा है। हाँ, चार स्क्रूप लगा हुआ है। जी हाँ, और टाइम कितना हुआ सब मिला के? 7 महीना हो गया मेरा। 7 महीना हो गया, आप चल लेते हैं वाकर से? नहीं नहीं, चल नहीं पाते, खड़ा भी होते हैं, बांस पकड़ के खड़ा होते हैं तनी मनी, आधा घंटा एक घंटा बांस पकड़ के खड़ा रहते हैं, जो कि घुटना लॉक करता है, पकड़ता है घुटना। हाँ, तो खड़ा हो जाते हैं अपने से। नहीं, जैसे आप खड़ा हो जाते हैं ना तो नी लॉक करने के लिए आता है को? जी, तो फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिएगा, 1800 रुपया लगेगा। फ्लिपकार्ट सिर्फ घुटना लॉक करने के लिए होगा, उसके बाद जूता पहन लीजिएगा, चाहे एक तो कीटो चप्पल आता है वो खरीद लीजिएगा और पहन के उससे चलिएगा, बांस पकड़ के रेलिंग बना लीजिएगा, रेलिंग में चलिएगा। जी, दोनों पति बांस बांध लेंगे, उसके बाद चलेंगे। हाँ, घुटना लॉक करना वाला कितना बोला भैया, कौन सी नाम है उसका? हम डायरेक्ट आपको लिंक भेज देंगे, आपको कोई चीज कहीं कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो पसंद है वो जितना साइज का आपका लंबर नाप लीजिएगा उतने साइज का मंगाइएगा। जी जी भैया जी, आपको कुछ करना नहीं होगा, डायरेक्ट आपको लिंक भेज देंगे। दिन में कितना बार एक्सरसाइज करते हैं? दिन में एक्सरसाइज यही करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, 1-1.5 घंटा, सुबह में 12 बजे फिर 4 बजे। जी, 150 के बारे में थोड़ा हम परेशान हो गया सर, क्या 150 हो गया पूरा, मतलब बिछुना उछना पूरा गंदा हो जाता है, इसी कारण एक्सरसाइज बंद है, अभी तनी मनी करते हैं कभी कभी। ये मेरा भी एक्सरसाइज बंद है, हम ज्यादा ज्यादा खड़ा रहते हैं, रेलिंग में चलते हैं ज्यादा,
अभी मेरे को पेट शोर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा ना अभी है? हाँ पेट शोर तो बढ़ गया थोड़ा सा। छुटा ना अभी तक? नहीं बेड शोर मेरा ठीक हो गया था, लेकिन जो वीडियो वीडियो बना रहे थे ना, थोड़ा सा हम गाड़ी में बैठ गए 2-4 दिन ना, इससे बेड शोर हो गया। जी बैठने का तो नहीं बोला, डॉक्टर भी नहीं बोला कि बैठने का नहीं नहीं तो बेड शोर हो गया। डॉक्टर ने देखा मेरा सारा दिन टेम्पो में बैठ गए, टेम्पो में बम्पट कितना रहता है, जरकिनार टेम्पो में सोकर नहीं रहता है ना, उसमें पटकते रहता है ना जी, और दिन भर चालू गाड़ी रहेगा और उसमें बैठेगा तो कितना पटकेगा जी जी, तो इसके वजह से बेड शोर थोड़ा हो गया। थोड़ा सा बेड शोर नरम होगा तो एक्सरसाइज भी ज्यादा करेंगे और चलेंगे भी ज्यादा। ये बेड शोर का कारण थोड़ा आप सुतले रहते हैं, नहीं कर पाते हैं अभी? नहीं बेड शोर का हमको मालूम है, बेड शोर अभी थोड़ा नरम गया हो गया, अब ज्यादा नहीं है। और इस पर हम सामान भी बेड शोर का लाए तो इस पर वीडियो बना कर डाल देंगे। आपको नंबर कहाँ से मिला? नंबर देखे यूट्यूब पर आपका वीडियो, यहीं से नंबर मिला। तो वो चैनल चैनल हम दूसरे चैनल फिर खोले हैं, वो पुराना चैनल का आप देखे होंगे वीडियो जी, जी, हाँ, हाँ। नया चैनल है, भेज देंगे वो, उस पर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो चैनल हमने जी फॉरवर्ड कर लिया, ले लिया, तो हम दूसरे चैनल खोले हुए हैं। अब बोला कि दूसरे ने वीडियो मेरा डाला है, ये बोला जो वीडियो देख रहे थे, बोला कि दूसरे ने वीडियो डाला है। हाँ तो मिल गया, तो हकीकत चैनल मिल गया, तो सब्सक्राइब किए चैनल को कर दिया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई चीज दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कॉल कीजिएगा। वही बेड शो के बारे में थोड़ा, बेड शो के बारे में भेज दीजिएगा, और मतलब क्लिपर के बारे में भेज दीजिएगा, बना लेते हैं हम। क्लिपर का बारे में भी भेज देंगे, बेड शोर का भी बारे में भेज देंगे जी जी ठीक ठीक है। जो टैबलेट है ना, टैबलेट आपको मिल जाएगा, पट्टी उट्टी सिलाइन पानी सब सब सारा कुछ आपको हॉस्पिटल में मिल जाएगा, सिर्फ आपको मोहल्लम खरीदना अलग से। कितने दिन में छूटेगा भैया? जी देखिए 2 टाइम अभी ज्यादा होगा, 2 टाइम ड्रेसिंग कीजिएगा जी, दिन में 2 बार ना। हाँ ड्रेसिंग करना आता है ना आपको? हाँ मेरा वाइफ जो है ना वही करती है ड्रेसिंग। हाँ आप देखिए सीलाइन वाटर से पहले सफा कीजिएगा, वो जो आता है डिटोल ना, डिटोल बोलते हैं, बीटाडीन आता है जो ना। हाँ बीटाडीन। हाँ वो नहीं छूना है आपको, काला वो बिल्कुल नहीं छूना है, वो जख्म को बढ़ा देता है, एक ही रात में 1 ही घंटा में बढ़ जाता है जी। काला वाला वो क्या भूल जा रहे, बीटाडीन नहीं छूजिएगा, सीलाइन वाटर आता है एनएस पानी, उसी से सफा कीजिएगा। तो डॉक्टर ने बोला कि बीटाडीन आप यूज नहीं कीजिएगा लाल वाला, जो कि वो घाव को खतरा बढ़ाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो यूज नहीं करना है, उससे 1 घंटा कहीं 1 घंटा में आपको बेड शोर बढ़ा देगा, 1-1 घंटा में जी। आपका जो बहुत बड़ा जख्म हो गया था बेड शोर का। हाँ बहुत बड़ा, हमको बोल रहा था बेड शोर से नहीं बचेगा, पूरा शरीर हम बर्बाद कर लिए थे, ये सब मालूम नहीं था, घर में आ गए की तरफ पड़ा रह गए। लेकिन बेड शोर के बारे में पूरा आप टैलेंट हो गया, क्योंकि पूरा शरीर बर्बाद कर चुके हैं बेड शोर के बारे में जी। तो मतलब ये मोहल्लम आपका इन्फेक्शन भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, एनएस पानी है ना वो सरकारी अस्पताल में आपको फ्री मिल जाएगा जी भैया। और पट्टी उट्टी करने के लिए सारा कुछ दे देगा, हम सब कुछ आपको जो हम कल हॉस्पिटल से लाए हैं जी भैया, वो आपको फोटो खींच के भी हम भेज रहे हैं आपको जी। ठीक है तो सब भेज दीजिए भैया, व्हाट्सएप बना लेते हैं तुरंत अभी। ठीक है व्हाट्सएप बना लीजिए और हमको थोड़ा हाई लिख दीजिएगा। ठीक है ठीक 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 है कॉल कर